सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र अंतर्गत कथारा वासरी के कोल स्टॉक नंबर 12 में लगी आग को काबू पाने के को लेकर सीसीएल के अधिकारी कितने सजग हैं, यह तो कैमरे की नज़र से देखने पर मिला है। जब मीडिया कर्मियों ने अधिकारियों से इस पर सवाल पूछा तो अपने को बचाने के लिए उल्टे मीडिया कर्मियों पर ही अपना गुस्सा दिखाने लगे। बीते बुधवार को कोयले के स्टॉक में लगी आग की सूचना से सीसीएल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। 3 दिन से अधिकारियों की गतिविधियां कोल स्टॉक की ओर बढ़ गई थी। सीसीएल के अधिकारियों की उपस्थिति में आग बुझाने का काम तो जारी है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा के समान। आग और धुएं ने इस इलाके को अपने चपेट में ले लिया है, लेकिन अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं आग बुझाने वाले जो कर्मी लगे हैं वे भी खतरे में काम कर रहे हैं, न कि किसी मानकों का ख्याल रखा जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि जहां आग लगी है वहां 20,000 टन कोयला रखा गया है। बताया जा रहा है कि आग लगे स्थल पर वासरी के पूर्व पीओ आर के मिश्रा, चीफ इंजीनियर मुरली बाबू समेत अन्य अधिकारी अपने नेतृत्व में आग बुझाने में कर्मियों के साथ लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह सीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही है और बड़े पैमाने पर होने वाले कोयले की चोरी है। जिस जगह पर कोयला स्टॉक बनाया गया था उस वासरी का पूरा क्षेत्र भूमिगत आग से प्रभावित है और हर वर्ष इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हर वर्ष नवंबर माह में जानबूझकर कोयले स्टॉक में आग लगा दी जाती है और ओवर रिपोर्टिंग छिपाने के लिए उस पर काम किया जाता है। मौके पर मौजूद अधिकारी मीडिया कर्मियों को देखकर भागने लगे। रखा हुआ ये तो फायर जोन है, पहले से भी है। अब हम लोग कोयला प्लांट चलते रहेगा, अब हम लोग निकाल देते हैं, एक हफ्ते के अंदर में पूरा कोयला भी खत्म हो जाएगा। ऐसे मेरा फायर टीम तो है, टैंकर भी काम कर रहा है, 28,000 लीटर्स का टैंकर है हम लोग का। कल भी 4 टैंकर डाल दिया तो दब गया, अभी कहाँ फायर है। थोड़ा स्मोक है, वो स्मोक भी खत्म हो जाएगा। वो भी तो आग नहीं है, वो तो एक फायर जोन है। दिस इज ऑल फायर जोन है, पहले से ही था। तो हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, पानी डालते हैं, ज़्यादा नहीं है। 80,000 टन है पूरा राकोल का, ये तो 10,000 टन है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो लगा है जिसमें काम कर रहे हैं हम लोग, इट इज़ अराउंड 10,000।